नमस्कार साथियों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मैं एजुकेटर शुभम पांचल के साथ आज हम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे तथा इस अधिनियम को पूर्ण रूप से समझेंगे। यह अधिनियम क्यों लाया गया, क्या इसका विस्तार है, क्या इसका नाम है और क्या इसकी आवश्यकताएँ हैं मानवाधिकार से संबंधित, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा कुछ पेड ग्रुप्स लाए जा रहे हैं जो UPPCS प्रीलिम्स तथा UPPCS मेंस के लिए एवं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा हेतु शुरू किए गए हैं तथा हमारे यहाँ पर कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी ग्रुप चलाए जा रहे हैं। आप दिए गए नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बताना चाहता हूँ पेज ग्रुप में हमारे सभी प्रकार के LPDFs, वॉइस मैसेजेस, स्पेशल PDFs तथा पर्सनल गाइडेंस दिए जाते हैं तथा समय समय पर ही टेस्ट सीरीज का वहाँ पर आयोजन किया जाता है। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। चलिए शुरू करते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो आइए सबसे पहली बात करते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की। सर्वप्रथम एक क्वेश्चन आता है कि मानव अधिकार संरक्षण मतलब क्या, कि मानव अधिकार मतलब क्या। एक सीधी सी डेफिनेशन में कह सकते हैं कि मानव अधिकार अर्थात जो एक मानव होने के नाते जो आपको राइट्स मिले हैं, अर्थात एक मानव होने के नाते आपको जो नियम मिले हैं, एक आपको कानून मिले हैं, एक आपको राइट्स मिले हैं, वो आपको क्या कहलाते हैं, मानव अधिकार की गारंटी उपलब्ध कराते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे मानव अधिकार कहलाते हैं। या एक शब्द आप इसको ये बोल सकते हैं कि मानव को मानव के होने नाते जो अधिकार दिए गए हैं, जिनसे व्यक्तित्व, जिससे अपना मानव जो मानव है वह अपना व्यक्तित्व बिल्कुल कानूनी रक्षा के रूप में अपने किसी भी देश में क्या कर सकता है, गुजार सकता है। मतलब बिल्कुल स्वतंत्रता के रूप में वह क्या कर सकता है, अपना जीवन का निर्वहन कर सकता है या किसी भी प्रकार से वह अपना जीवन का निर्वहन कर सकता है, वे सभी क्या कहलाएंगे, आपके मानव अधिकार कहलाएंगे। अब बात करते हैं कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 क्यों लाया गया या मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की आवश्यकता क्यों पड़ गई। देखिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि सन 1947 आपको सभी को ज्ञात होगा कि 1947 के दशक में हमारा भारत को स्वतंत्रता मिली, परंतु इसके पूर्व की बात करें तो कहीं ना कहीं हम कोई सा राजवंश, फिर उसके बाद अंग्रेज या ब्रिटिश, आप किसी भी प्रभाव से हम क्या रहे हैं, हम गुलाम रहे हैं, क्या रहे हैं, हम लोग गुलाम रहे हैं। तो गुलाम से होने से तात्पर्य हमारा मतलब हम अस्वतंत्रता ही नहीं रहे, मतलब हम स्वतंत्र नहीं थे, हमारे पास ह्यूमन राइट्स नहीं थे या थे उसके ना के बराबर ही हो सकते हैं। क्योंकि देखिए जब तक आप स्वतंत्र नहीं हैं, जब तक आपके ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, नगण्य माने जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या थे, वहाँ पर स्वतंत्र नहीं थे। सन 1947 को हमको भारत को आज़ादी मिली। अब 1947 को आज़ादी मिली, उसके बाद सन 1948 में सार्वभौमिक घोषणा की गई। ध्यान रखिएगा 1948 में सार्वभौमिक घोषणा की गई। अब सार्वभौमिक घोषणा किस बात की गई, तो विश्व स्तर पर, ध्यान रखिएगा किस स्तर पर, विश्व स्तर पर। विश्व स्तर पर किसने की गई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ, ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, UNO। तो ध्यान रखिएगा UNO द्वारा या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा क्या किया गया था 1948 में, मानव अधिकार से संबंधित संरक्षण हेतु क्या की गई थी, उन्होंने सार्वभौमिक रूप से घोषणा की गई थी कि जितने भी देश हैं हमारे, जितने भी जहां भी देश हैं वहां मानव से संबंधित अधिकार एवं उनके संरक्षण से संबंधित नियम एवं कानून बनाए जाएं। ये बात कही गई थी 1948 में। किसने कही गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कही थी, UNO ने कही थी। ध्यान रखिएगा अब इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मानव के लिए एक अधिकार बनाए जाएंगे जो मानव के होते हैं, मानव के होने के नाते मानव को मिलते हैं, अर्थात मानव के लिए, मानव के व्यक्तित्व अधिक से अधिक उभारने के लिए क्या गया है, उसके संरक्षण करने के लिए उसके कुछ अधिकार बनाए गए हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा मूल अधिकार, संविधान के भाग 3 में कुछ मूल अधिकार दे रखे हैं तथा भाग 4 के ही तहत राज्य के नीति तत्वों में भी कहीं ना कहीं मानव से संबंधित हमारे इसमें कुछ कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, जिस प्रकार से हम उनको कहते हैं मौलिक कर्तव्य। ध्यान रखिएगा मौलिक कर्तव्य एवं मूल अधिकार, ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की बेसिक सिस्टम है। ध्यान रखिएगा क्या है, हमारा बेसिक सिस्टम है। तो सर्वप्रथम एक क्वेश्चन बन सकता है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई, तो 1948 में इसकी सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की थी, किस स्तर पर की गई थी, तो वैश्विक स्तर पर की गई थी। ध्यान रखिएगा वैश्विक स्तर पर की गई थी तथा ये किन प्रावधानों के आधार पर है, तो प्रावधानों के आधार पर वही संविधान के भाग 3 मूल अधिकार तथा उसके बाद भाग 4 के राज्य के नीति तत्व में कहीं ना कहीं मौलिक कर्तव्य के जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उसी के आधार पर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993
लाया गया। ध्यान रखिएगा, इसकी सार्वभौमिक घोषणा 1948 में यूएनओ द्वारा कर दी गई थी। मतलब भारत आज़ाद होने के बाद सभी देशों जो अलग अलग जो देश बन गए थे उन सभी देशों में मानव के अधिकारों से संरक्षण से संबंधित यूएनओ द्वारा एक प्रतिभावित प्रस्तावित कर दिया गया कि नहीं, अब आप देशों को जितने भी देश हैं उन सभी देशों को क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं मौलिक कर्तव्य या इंसान के मूल अधिकार आपको देना ही पड़ेंगे। अब ध्यान रखिएगा इनमें सबसे बड़ी क्या क्या चुनौतियां थी, तो देखिए इनमें चुनौती की बात करते हैं कि मानव अधिकार की सबसे बड़ी चुनौती है कि आज मानव का समाज से शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ये सभी क्या कहलाते हैं, एक मानव अधिकार के संरक्षण के विहित कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा मानव अधिकार संरक्षण के विहित कहलाते हैं। ध्यान रखिए कभी कभी एमपीपीएससी मेंस, मैं बात कर रहा हूँ एमपीपीएससी मेंस की, देखिए एमपीपीएससी मेंस में कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का मूल उद्देश्य क्या था, तो ठीक है तो आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर उसका मूल उद्देश्य बताना है। ठीक है, बात करते हैं आगे कि मानव अधिकार संरक्षण के लिए सर्वप्रथम कौन सा अधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया। ध्यान रखिएगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के लिए सर्वप्रथम कौन सा घोषणा पत्र जारी किया गया, तो आपने नाम सुना होगा उसके लिए मैग्ना कार्टा, जिसका नाम क्या था, बिल ऑफ राइट्स। क्या नाम था, बिल ऑफ राइट्स। ध्यान रखिएगा इसका नाम क्या था, बिल ऑफ राइट्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मानवाधिकार संरक्षण के लिए सर्वप्रथम कौन सा मैग्ना कार्टा या कौन सा अधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया था, तो उसका नाम था बिल ऑफ राइट्स। ध्यान रखिएगा बिल ऑफ राइट्स का सीधे शाब्दिक अर्थ ही होता है कि जो मानव के नाते जो मानव अधिकार है, जो मानव अधिकार संबंधी जितने भी नियम है उसमें उसको इनबिल्ट किया गया था। ध्यान रखिएगा अब क्या होने लगा धीरे धीरे कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 1948 से लेकर 1992 या 1993, ध्यान रखिएगा वो संक्षेपण है 92-93, तो ध्यान रखिएगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा क्या किया गया 1948 से लेकर 1993 तक क्या की गई, उसकी समीक्षा की गई कि किस आधार पर मानव अधिकार के लिए क्या क्या राइट्स होना चाहिए, क्या क्या नियम होना चाहिए, क्या क्या नियमावली होना चाहिए, साथ में उनके लिए क्या एक प्रकोष्ठ होना चाहिए, ये सारी बात कहाँ कही गई, मानवाधिकार के तहत यूएनओ में कही गई। अब इसी के लिए सर्वप्रथम उन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल पर मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। एक क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, तो आप याद होना चाहिए 1993 में किया गया। ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, 1993 में किया गया। अब इसके कुछ बात करते हैं, अब एक इंटरनेशनल लेवल पर है तो आप सबको ज्ञात होगा कि यह एक वैश्विक स्तर पर, ध्यान रखिएगा किस स्तर पर है, वैश्विक स्तर पर। किसकी जाँच करता है, ये मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच करता है। ध्यान रखिएगा किसकी जाँच करेगा, ये मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करता था। जांच करने के बाद ये भी क्या देता है, ये सभी देशों को सुझाव देता है कि वहाँ की समानता, वहाँ की स्वतंत्रता, वहाँ का शोषण तथा किसी भी प्रकार से मानव अधिकारों या उनके संरक्षण की बात के लिए जो नियम है जो इंटरनेशनल आधार पर बनाए जाते हैं वह कौन बनाएगा, हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ बनाएगा। और कब से इसका गठन हुआ है, 1993 से। पूछ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो आपका अधिकार आना चाहिए 1993 में हुआ। इसी के बाद अब इससे संबंधित अधिकारों के संरक्षण के लिए अब इंटरनेशनल लेवल पर तो एक उन्होंने क्या करा, मानवाधिकार आयोग बना दिया। अब उन्होंने उसको धीरे 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 इंटरनेशनल से वहाँ पे कहाँ ले गया है, वो राष्ट्र पर लेकर आया। ध्यान रखिए इंटरनेशनल पर कब लेकर आया, वो धीरे धीरे उनको राष्ट्रीय स्तर पर ले गया। तो उन्होंने एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया, उसके बाद उन्होंने एक राज्य का मानवाधिकार आयोग बनाया, है ना, जिससे होता क्या है, निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक हर व्यक्तित्व या हर मानवाधिकार से संबंधित हर मानव को उसके अधिकार प्राप्त हों या किसी प्रकार से उनके अधिकारों का अवहेलना हो रही है तो उसकी जांच वहां पर की जाए। इसके लिए उन्होंने क्या करा, एक इंटरनेशनल लेवल से नेशनल लेवल, नेशनल लेवल से स्टेट लेवल की एक उन्होंने क्या बना दी, एक समितियाँ बना दी या उन्होंने एक आयोग बना दिया। ये थी एक मानवाधिकार आयोग के कुछ छोटे से प्रावधान कि सर्वप्रथम मानवाधिकार आयोग कहाँ से शुरू हुआ, क्या संबंधित था, तो अभी हमने देखा 1948 से सर्वभौमिक घोषणा हुई थी यूएनए द्वारा की गई, वही संविधान के भाग तीन भाग चार में। उसके बाद जो हमारे मौलिक कर्तव्य मूल अधिकार है उससे संदर्भित है। उसके बाद इसका बिल आया था मैग्ना कार्टा, उसने नाम बताया था मैंने बिल ऑफ राइट्स। ध्यान रखिएगा 1993 पे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन तथा उसी के बाद 1993 के बाद जो हमारा नेशनल राष्ट्रीय पढ़ेंगे हम बिल्कुल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग का क्या किया गया, यहाँ पर गठन किया गया। अब सर्वप्रथम बात करते हैं कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की शुरुआत या उसकी शुरुआत भारत में किसे हुई, तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को राष्ट्रपति की अनुमति कब दी गई, तो 8 जनवरी 1994 को क्या दी गई, राष्ट्रपति को यहाँ पर क्या दी गई, जनवरी दी गई। ध्यान रखिएगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 8 जनवरी 1994 को क्या हुई थी, प्राप्त हुई थी। ध्यान रखिएगा
अब एक बात करते हैं कि यह इसकी क्षेत्राधिकार कहाँ है या इसका क्षेत्राधिकार कहाँ है, तो आपको याद होना चाहिए इसकी यह संपूर्ण भारत में लागू है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर है ये, संपूर्ण भारत में लागू है परंतु जम्मू कश्मीर की राज्य सूची को छोड़कर, अर्थात जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया है इसकी जो पीओके, आप जो बोल सकते हैं पाकिस्तान की जो बॉर्डर है हमारी, पाकिस्तान भारत की जो पीओके अधिकृत क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को छोड़कर जो जम्मू कश्मीर की राज्य सूची में देखा गया है। ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर की राज्य सूची को छोड़कर जितना भी संवर्धित क्षेत्र भारत की सीमा के अंतर्गत आता है वह क्या कहलाता है, हमारा क्या कहलाता है, हमारे भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत ये क्या कहलाएगा, हमारा एक संपूर्ण भारत में लागू कहलाएगा। ध्यान रखिएगा कहाँ पर लागू है, संपूर्ण भारत में लागू है और जम्मू कश्मीर की राज्य सूची को छोड़कर। ध्यान रखिएगा अब इसके बात करते हैं कि इसका मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर, तो आप ध्यान रखिएगा नेशनल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, हमारा दिल्ली में। ध्यान रखिएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है। अब यह अधिनियम कब प्रवृत्त किया गया, तो 28 सितंबर 1993 को क्या किया गया था, ये प्रवृत्त किया गया था। ध्यान रखिएगा 28 सितंबर 1993 को यह प्रवृत्त किया गया था। ध्यान रखिएगा इसी में एक संशोधन हुआ था, तो उस संशोधन की बात हम थोड़ी देर से करेंगे, परंतु इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें कुल अध्याय तथा कुल कितनी संख्या है धाराओं की। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि इसमें कुल कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं और धारा कितनी है इसमें, 43 धारा। ध्यान रखिएगा इस एक्ट में कितनी धारा हैं, टोटल 43 धारा हैं और अध्याय कितने, यहाँ पर 8 अध्याय यहाँ पर दिए गए हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं मानवाधिकार आयोग के उद्देश्य की। सर्वप्रथम मैंने पूछा था अभी एक कि मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य क्या है, सर्वप्रथम ध्यान रखिएगा। तो और सबसे पहले कब क्या था, 8 जनवरी 1994 को क्या किया गया था, अभी मैंने बताया था इसके पहले, जो भी है हमारा 8 जनवरी 1994 को देखिए यहाँ पर दे रखा है कि राष्ट्रपति की अनुमति इसको दे दी गई थी। ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति की अनुमति इसको दे दी गई थी। अब बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य मैंने अभी पूर्व में एक शब्दावली में बताया था कि मानव अधिकार के अधिक से अधिक संरक्षण या उसके जितने भी संबंधित मामले हैं या उसके जितने भी संबंधित मानव होने के नाते जो उसको अधिकार मिले हैं उन सभी अधिकारों की जांच, उनके लिए संशोधन, उन जांचों का आगे बढ़ाना, ये सब चीज़ क्रियाविधि क्या कहलाएगी, आपकी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की एक उद्देश्य कहलाएगी। कि नहीं, मानव अधिकार आयोग का उद्देश्य क्या है कि मानव के अधिकारों की सुरक्षा एवं उनकी शांति के प्रयास करना। ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय गणतंत्र राज्य के किस वर्ष में यह संसद द्वारा पारित किया गया, अधिनियमित किया गया, तो आपका याद होना चाहिए 44वें वर्ष में क्या किया गया, संसद द्वारा पारित या अधिनियमित किया गया। अब एक बात करते हैं, सबसे पहले की बात करते हैं कि इसकी प्रस्तावना क्या क्या है, इसके संदर्भ में अभी हमने पढ़ा, परंतु अब इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। ध्यान रखिएगा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया था, तो मुख्य उद्देश्य की कुछ बातें बताता हूँ मैं आपको कि मानव अधिकारों के अधिक से अधिक संरक्षण या उसके अनुषंगिक मामलों के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, सभी प्रकार के उद्देश्य दिए गए हैं। दूसरी बात, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन करना जो मामलों का अन्वेषण वो जांच करेगा, तथा तीसरी बात, यदि कोई ऐसा व्यक्ति, यदि कोई ऐसा स्तर है जो उल्लंघन कर रहा है स्टेट स्तर पर, तो उसके लिए भी एक राज्य का मानवाधिकार आयोग उन्होंने बनाया। तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वही मानव अधिकारों की सुरक्षा करना, फिर एक स्टेट एक केंद्रीय लेवल पर और एक स्टेट लेवल, मतलब अर्थात एक नेशनल लेवल पर एक स्टेट लेवल पर क्या कहा गया है, इसकी यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, आप शुरू करते हैं अध्याय एक। सर्वप्रथम ध्यान रखिएगा मानव अधिकार आयोग का हम पार्ट वन आज पढ़ रहे हैं, जिसमें अध्याय एक और अध्याय दो को पूर्ण रूप से समझेंगे। तो अध्याय एक में बात करते हैं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अध्याय एक दे रखा है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या प्रारंभ, मतलब इस क्षेत्र का या इस सिस्टम का प्रारंभ कैसे हुआ है। सर्वप्रथम बात करते हैं कि इसका प्रारंभ क्या है, तो ध्यान रखिएगा यह अधिनियम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कहलाएगा। इसका नाम क्या है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 क्या है, इसका नाम है। अब ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ पर लागू होगा, क्षेत्राधिकार क्या है इसका, मैंने अभी बताया था संपूर्ण भारत पर लागू होगा परंतु जम्मू कश्मीर की राज्य सूची को छोड़कर। ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर की राज्य सूची को छोड़कर, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखा है संविधान की 7वीं अनुसूची में 1 या 3 में वर्णित जितने भी विषय दे रखे हैं जम्मू कश्मीर की कहाँ पर है, राज्य सूची में संदर्भित है, ये यहाँ पर क्या होंगे, सभी यहाँ पर लागू हो गए। अर्थात जम्मू कश्मीर की राज्य सूची के विषय को छोड़कर या उसके सीमा को छोड़कर संपूर्ण भारत में क्या है, ये संपूर्ण भारत में क्या है, ये लागू हो। ध्यान रखिएगा यह 28 सितंबर 1993 को प्रभाव में आया, ध्यान रखिएगा इसको समझा जाएगा। ध्यान रखिएगा यह 28 सितंबर 1993 से अस्तित्व में आया है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में।
अब बात करते हैं इसकी कुछ संदर्भित धारा एक में क्या क्या दिया गया है। अभी हमने देखा कि इसका नाम और विस्तार क्या था कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 था, जम्मू कश्मीर की केंद्रीय सूची एवं जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की संवर्ती सूची। देखिए संवर्ती सूची का अर्थात मतलब होता है राज्य प्लस केंद्र अर्थात राज्य एवं केंद्र सरकार की जो संवर्ती सूची जिन विषयों पर वह नियम बना सकती है। ऐसे जो सीमा अंतर्गत जो क्षेत्र है उनको छोड़कर ये संपूर्ण भारत पर क्या है लागू होने रखेगा। यह अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा कब हस्तांतरित किया गया, 8 जनवरी 1994 को क्या किया गया है हस्तांतरित किया गया था, परंतु इसका प्रवर्तन 28 सितंबर 1993 से ही माना जाएगा ध्यान रखेगा। अर्थात यह 28 सितंबर 1993 से ही लागू हुआ ध्यान रखेगा, 28 सितंबर 1993 से क्या हो गया था ये लागू हो गया था ध्यान रखेगा, 28 सितंबर 1993 से लागू हुआ था। और राष्ट्रपति की कब मिली थी इसमें अधिसूचना, ये जारी राष्ट्रपति की साइन कब हुआ था इसमें, तो 8 जनवरी 1994 को क्या हुआ था इसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए थे। बात करते हैं धारा दो की। अब धारा दो में इससे संबंधित सारे परिभाषाएं दे रखी हैं। अब परिभाषाएं क्या होती हैं कि जो शब्दावली है मानव अधिकार से संबंधित जितनी भी शब्दावली है जहां पर उन शब्दों को परिभाषित किया गया वो क्या होगी इसकी परिभाषाएं होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं परिभाषाओं की। सबसे पहली धारा दो के क में दे रखा है सशस्त्र बल। देखिए सशस्त्र बल मतलब हमारे जो भारत की जो नौसेना है, थल सेना एवं वायुसेना, जो तीन कॉन्सेप्ट है हमारे सेना के, थल सेना, वायुसेना एवं जलसेना, तथा उसी के बाद जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की अन्य सशस्त्र बल है उन सभी सशस्त्र बलों की यहाँ पर क्या दे रखा है परिभाषित दे रखा है। अब ध्यान रखिएगा इन परिभाषा में कौन कौन हो सकता है, तो नौसेना है, थल सेना है, वायुसेना है, मतलब तीनों सेनाओं की बात हो गई है। उसके बाद यहाँ पर संघ सरकार की जो अन्य सशस्त्र बल है जैसे CRPF, BSF, CISF, अन्य जो भी IB वगैरह जो भी इंटरनेशनल या सॉरी जो भी हमारे जो नेशनल या केंद्रीय सरकार की जो बल होते हैं उन सभी बलों के बारे में अगर यदि कोई क्षेत्रावली में उनके द्वारा कोई उल्लंघन किया जा रहा है ध्यान रखिएगा सशस्त्र बल से संदर्भित मतलब उन सशस्त्र बलों के द्वारा यदि मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है तो वह धारा 19 के प्रबंध में क्या होंगे इसका उल्लेख करेंगे ध्यान रखिएगा। धारा 19 में क्या करेंगे इसका प्रबंध का उल्लेख करेंगे। सर्वप्रथम मैं बता देता हूं आपको कि जो सेना होती है इनके जो ह्यूमन राइट्स होते हैं सर्वप्रथम जब ये जिस दिन ये ड्यूटी ज्वाइन करते हैं उस दिन उनके ह्यूमन राइट्स में थोड़ी सी कमी कर दी जाती है ध्यान रखिएगा, क्या कर दी जाती है कमी कर जाती है, तभी तो वो अपने सेना अपना तत्पर रूप से कार्य कर सकती है ध्यान रखिएगा ठीक है। तो इसका संबंध धारा 19 में दिया गया है, किसका संबंध सशस्त्र बल कौन सी है दो के क में क्या दे रखा है सशस्त्र बल की यहाँ पर क्या दे रखी है परिभाषा दे रखी है। आगे की बात करते हैं अध्यक्ष, यहाँ पर अध्यक्ष की परिभाषा दे रखी है कौन से में धारा दो के ख में ध्यान रखिएगा, धारा दो के ख में क्या दे रखी है इन्होंने अध्यक्ष की परिभाषा दे रखी है कि अध्यक्ष किस आधार पर होगा या अध्यक्ष कौन होगा ये सब संदर्भित कहाँ किया गया है धारा दो के ख में बात किया गया ध्यान रखिएगा। एक हमारे पास राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है जिसको हम बोल सकते हैं केंद्रीय मानवाधिकार आयोग, और एक है हमारा राज्य मानवाधिकार आयोग। तो ध्यान रखिएगा इन दोनों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा और कैसे नियुक्ति होगी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार के या केंद्रीय राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं, तो केंद्र सरकार का जो मानवाधिकार आयोग है उसकी नियुक्ति कौन करेगा राष्ट्रपति करेगा, और इसका प्रावधान कौन सी धारा में दिया गया है धारा 4 में। अभी सिर्फ आप इतना देखिए कि इसका प्रावधान कौन सी धारा में दिया गया है धारा 4 में, और उसकी नियुक्ति कौन करेगा राष्ट्रपति, किसकी केंद्रीय मानवाधिकार ये ध्यान रखिएगा किसकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। परंतु यदि बात हो कि राज्य के मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करेगा तो वहाँ की नियुक्ति कौन करेगा राज्यपाल करेगा, और कौन सी धारा प्रविष्ट किया गया इसको 22 में। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया कि मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किस धारा में दी गई तो धारा 4 में, और राज्य के मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति किस धारा में दी गई तो धारा 22 में दी गई है, और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा कि केंद्रीय स्तर पे, और राज्य के स्तर पर राज्यपाल इसकी नियुक्ति करेगा। बात करते हैं धारा 2 के ग की, ध्यान रखिएगा धारा 2 के ग में कुछ अभिप्राय दे रखे हैं जो धारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से हैं। ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित यहाँ कुछ भारत सरकार के जो नियम दे रखे हैं उनके बारे में यहाँ पर बात कही गई। बात करते हैं अगली धारा की, तो धारा 2 के घ में, धारा 2 के घ में मानव अधिकार से संबंधित यहाँ पर परिभाषाएं दी गई, अर्थात जो हमारी प्राण स्वतंत्रता है, जो दैहिक स्वतंत्रता है हमारी, है ना, समानता वाली स्वतंत्रता है हमारी, है ना, हमारे पास व्यक्तित्व की गरिमा से अधिकार है हमारे पास, इसके बाद जो भी संविधान द्वारा हमको जो नियम दे रखे हैं जो हमारे मानव अधिकार हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर दिया गया घ में, ध्यान रखिएगा 2 के घ में ठीक है। आगे की बात करते हैं तो अण की, ध्यान रखिएगा 2 के अण की बात करते हैं कि मानव अधिकार न्यायालय की परिभाषा यहाँ पर दे रखी है। सर्वप्रथम ध्यान रखिएगा अभी हम परिभाषा की बात कर रहे हैं, तो परिभाषा की बात दे रखी है कि मानव अधिकार न्यायालय की यहाँ पर परिभाषा दे रखी है, जो संविधान जो इस एक्ट की कौन सी धारा में संदर्भित है, एक्ट की धारा 30 में संदर्भित है। ध्यान रखिएगा मानव अधिकार न्यायालय एक्ट की धारा 30 में संदर्भित है। यहाँ पर दिया गया मैंने इसमें पूर्व से कि मानव अधिकार न्यायालय धारा 3 के अधीन वह न्यायालय है जो राज्य सरकार द्वारा एक राज्य के हाईकोर्ट की
जो मुख्य न्यायाधीश होती है उसकी सहमति से बनाया गया हो। अब कौन सा न्यायालय बनाया गया जाएंगे, तो वही सत्र न्यायालय बनाया जाएगा जो पहले से एक विशेष न्यायालय ना हो। ध्यान रखिएगा, इसके लिए भी एक विशेष न्यायालय की व्यवस्था की गई है, परंतु विशेष न्यायालय कौन सा होगा, जो पहले से ही एक विशेष न्यायालय अर्थात एक सत्र न्यायालय हो। अर्थात कहने की बात कैसी है, हमारा कहने का तात्पर्य क्या है कि सत्र न्यायालय ही ऐसा होगा जो विशेष न्यायालय बना सकते हैं धारा 30 के अधीन। पर ध्यान रखिएगा, वह पहले से विशेष न्यायालय नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, वह पूर्व से विशेष न्यायालय नहीं होना चाहिए। बात करते हैं अगले धारा की, तो दो के च, ध्यान रखिएगा दो का च, इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा की बात कही गई। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा की बात कही गई कि जो संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा होती है, जब कब स्वीकृत की गई थी, ध्यान रखिएगा 16 दिसंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र की एक साधारण सभा हुई थी, जिस सभा में क्या कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक राष्ट्रीय महासभा होगी वह क्या करेगी, सभी देशों के जितने भी मानव अधिकार आयोग हैं उनकी क्या करेगी, ये रक्षा करेगी या उनके तहत अपनी क्या करेगी, ये सूचना को प्रविष्ट करेगी। ध्यान रखिएगा 16 दिसंबर 1966 से धारा 2 के च में दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाएँ। आगे की बात करते हैं कि छ, दो के छ की, यहाँ पर सदस्य की क्या दे रखी है, यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है कि सदस्य किस किस के आधार पर होंगे। तो सदस्य का आधार होता है कि सदस्य कुछ होंगे कि अब यहाँ पर एक आयोग बनाया गया तो एक अध्यक्ष होता है ना, फिर उसके बाद कुछ सदस्य होते हैं यहाँ पर, तो उन सदस्य की बात करते हैं कि कौन कौन से सदस्य होंगे। तो सबसे पहली बात, केंद्रीय राष्ट्रीय आयोग की दशा में उनके सदस्य की बात करें तो केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सदस्य होंगे, राज्य स्तर पर राज्य के सदस्य होंगे। आगे इन बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। अब राज्य आयोग की दशा में राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य जिनकी नियुक्ति धारा 4 एवं धारा 22 के तहत की जाती है। अगर क्वेश्चन आता है कि राज्य सरकार के राज्य मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति किस धारा के तहत की जाएगी, तो धारा 4 एवं धारा 22 के तहत उनकी नियुक्ति की जाएगी। ध्यान रखिएगा, अब इसके धारा 2 के ज में एक चीज़ रखिए कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग। ध्यान रखिएगा, जो अल्पसंख्यक है हमारे देश में, जितने भी अल्पसंख्यक की जो डेफिनेशंस दे रखी है, जो अल्पसंख्यक की जो शब्दावली है किसी जाति विशेष के लिए, उन जाति विशेष वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1992 की धारा 3 के गठित अल्पसंख्यकों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग से ही है, कि उनके लिए भी यही एक राष्ट्रीय आयोग होगा जो मानवाधिकार आयोग की संरक्षण की सुविधा प्रदान उनको करेगा। ध्यान रखिएगा, कौन कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो वहाँ पर अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 30 के प्रावधान में यहाँ पर दिया गया है, और संविधान के अल्पसंख्यक के जो अनुच्छेद 29 और 30 है यहाँ पर उनकी कोई डेफिनेशन तो नहीं दी गई है, परंतु बात वही की गई कि जो संविधान में अल्पसंख्यक समझे गए हैं उन्हीं को यहाँ पर क्या माना जाएगा, अल्पसंख्यक माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक कौन होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ भारत की बॉर्डर के निवासी होंगे, अर्थात मतलब कहने तात्पर्य क्या, हमारे जो भारतीय नागरिक होंगे, भारतीय अल्पसंख्यक नागरिक होंगे जिनकी संस्कृति किस कौन सी है, भारतीय है, जो भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, और वो किसी भी जाति के भी हो सकते हैं, किसी भी विशेष वर्ग के हो सकते हैं, उनसे संबंधित यहाँ पर नियम दे रखे हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की, दो के झ में, तो अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से अभिप्राय संविधान के अनुच्छेद 338 में वर्णित अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से ही है। ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है, जिसको बोलते हैं अनुसूचित जाति का संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है अनुच्छेद 338 में। ध्यान रखिएगा, 338 का कहता है हमारा कि जो अनुसूचित जाति है उनके लिए क्या बनाया, एक आयोग बनाया गया जो उनके लिए अलग से काम करेगा, वह भी इसमें क्या होगा, निर्दिष्ट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिया गया था झ में किसके लिए दे रखा है, यहाँ पर अनुसूचित जाति। अगर बात करते हैं झ के क, ध्यान रखिएगा धारा 2 का झ का क, अगर ध के का बात करते हैं तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की बात कही गई जो संविधान के अनुच्छेद 338 के क में वर्णित की गई। ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 338 के क में क्या की गई है, ये वर्णित की गई। अब संविधान के 89 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इनका जो गठन किया गया है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विकास करने के लिए जो आयोग बनाए गए हैं ना, जो अनुसूचित जाति आयोग या अनुसूचित जनजाति आयोग, उससे संदर्भित यहाँ पर क्या होंगे, दिशा निर्देश यहाँ पर होंगे। अब अन की बात करते हैं कि महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग से अभिप्राय, महिलाओं राष्ट्रीय महिला आयोग जो बनाया गया था 1990 उसकी जो धारा 3 है उसी के आधार पर यहाँ पर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, धारा 3 के आधार पर यहाँ पर किया जाएगा। तो यह कहा गया है च में, अन में सॉरी, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग से अभिप्राय, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अधीन महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग से है। ध्यान रखिएगा, अब महिला अधिनियम, महिला के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, ध्यान रखिएगा एक महिलाओं के लिए भी एक राष्ट्रीय आयोग है। ये MPPSC मेंस में कुछ पूछे जाते हैं, हाँ MPPSC मेंस की बात यहाँ पर अभी नहीं करेंगे, अभी प्रारंभिक परीक्षा में जो 3 एक्ट है उन्हीं की बात कर रहे हैं अभी हम। तो मानव अधिकार से संबंधित महिला आयोग जो कहा गया है उनके लिए भी जो सर्वेक्षण वहाँ पर जो दे रखी है वह सब सुविधाएँ यहाँ पर भी दी जाएगी धारा 3 के अधीन।
ट की बात करते हैं, यहाँ पर अधिसूचना की डेफिनेशन दी गई है। ध्यान रखिएगा किसकी डेफिनेशन दी गई है, अधिसूचना की डेफिनेशन दी गई है कि अधिसूचना से तात्पर्य वो होगी जो राजपत्र में शासकीय द्वारा या शासन के द्वारा अभिप्रेत किया गया, अर्थात जो राज्य सरकार का जो शासन पत्र होगा उसके द्वारा की गई हो अधिसूचना, किसी क्षेत्र या नियमावली के संदर्भ में क्या की गई हो, घोषित की गई हो। ध्यान रखिएगा ठ की बात करते हैं, ठ मतलब विहित, यहाँ पर विहित की एप्लीकेशन या विहित की डेफिनेशन दी गई है। तो विहित मतलब वही होता है कि इस अधिनियम के बनाए गए नियम, अधिविहित का एक शब्दावली सीधी सी बात है कि नियम, विहित मतलब जो नियम बना रही है राज्य सरकार, नियम बना रही है केंद्र सरकार, नियम बना रही है, वो सभी से यहाँ पर क्या दे रखें, यहाँ पर उनकी परिभाषाएँ दे रखी है धारा दो के ठ में। ध्यान रखिएगा विहित या नियम की परिभाषा यहाँ पर दे रखी है। अगली बात करते हैं ड कि राज्य आयोग से, यहाँ पर राज्य आयोग की परिभाषा दे रखी है, जो राज्य आयोग है वो राज्य आयोग जो धारा 21 के अधीन जो राज्य मानवाधिकार आयोग जो हमारा इसमें दे रखा है उसमें मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में, वही राज्य सरकार यहाँ पर क्या करेगा, अपना राज्य से संबंधित सारे कार्य करेगा। कौन से इसमें दे रखा है, धारा दो के डब में इसकी क्या दे रखी है, परिभाषा दे रखी है। धारा कौन सी पूछेंगे इसमें, धारा 21। ध्यान रखिएगा कौन सी धारा है यहाँ पर, धारा 21। अगले पॉइंट की बात करते हैं, अब सबसे पहली बात कि कौन कौन से दंड होंगे या कौन कौन से विधान होंगे, ये सब चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, परंतु इसके पहले जो अभी हमने पढ़ा कि अब इसकी कुछ परिभाषा दे दी है, अब इसके संदर्भ में कुछ ऐसी अर्थ हैं जो जम्मू कश्मीर के लिए विशेष रूप से दर्जा दिया गया। ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर एक विशेष दर्जा वाला राज्य है, तो उसी के लिए यह कानून जम्मू कश्मीर की जो राज्य सूची है उसके जो नियम हैं उन सभी नियम को छोड़कर यह सभी उन पर क्या होते हैं, लागू होते हैं। और ध्यान रखिएगा इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि संपूर्ण भारत पर लागू होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर धारा दो के ढ की, धारा दो के ढ में लोक सेवक की परिभाषा दे रखी है। अब लोक सेवक कौन होगा, जो आईपीसी सेक्शन की धारा 21 के तहत बताया गया, ध्यान रखना आईपीसी सेक्शन की धारा 21 के तहत बताया गया वही क्या होगा यहाँ पर, लोक सेवक होगा। जो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में बताया गया है वही यहाँ पर क्या होगा, लोक सेवक होगा। अब लोक सेवक के कितने प्रकार बताए गए हैं वहाँ पर, टोटल 11 प्रकार वहाँ पर बताए गए हैं जो लोक सेवक होंगे, तथा लोक सेवक क्या क्या कार्य कर सकते हैं यह इसके अधीन किए जाएंगे। तो ये था हमारा अध्याय एक, ध्यान रखिएगा अध्याय एक, अध्याय एक में धारा कितनी है, धारा एक एवं दो। धारा एक में हमने संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ पढ़ा, तथा धारा दो में हमने पूरी डेफिनेशंस पढ़ी हैं। ध्यान रखिएगा डेफिनेशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी, जितनी भी प्रकार की डेफिनेशन है यहाँ पर दो के ढ तक, ध्यान रखिएगा दो के ढ तक, दो से क से लेकर दो से ढ तक की सारी डेफिनेशन को एक बार नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तथा बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। और आप हमारी एमपीपीएससी के लिए पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा एमपीपीएससी के लिए एक पेड ग्रुप चलाया जा रहा है, अगर आपने इस पेड ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और आपने इतनी तैयारी कर ली तो आपका डेफिनेटली 100% आप एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर कर लेंगे। चलिए बात करते हैं अध्याय दो की, तो सर्वप्रथम अध्याय दो क्या है उसकी बात करेंगे। तो अध्याय दो का नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ध्यान रखिएगा अध्याय दो का नाम क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अभी हमने पढ़ा था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा क्या किया गया था, एक इंटरनेशनल आधार पर बनाया गया था, फिर उसके बाद एक नेशनल मानवाधिकार आयोग बनाया गया था, उसके बाद एक स्टेट के लिए मानवाधिकार आयोग बनाया गया था। तो अध्याय दो में दे रखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य के मानवाधिकार आयोग में कुछ भी फर्क नहीं, इनके कार्य भी वही है, इनकी शक्तियाँ भी वही है, इनकी सदस्यावली भी वही है, परंतु इनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इनकी जो नियुक्ति होती है तथा इनके संबंध में जितने सदस्य होते हैं उनके बारे पे यहाँ पर अलग अलग वस्तुतः चर्चा की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर धारा तीन की बात करते हैं कि धारा तीन में क्या दे रखा है। तो धारा तीन में यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन दे रखा है। ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का यहाँ पर क्या दे रखा है, गठन की बात की गई है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस आधार पर होगा। तो आइए शुरू करते हैं कि सबसे पहली बात, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक राष्ट्र का होगा जो नेशनल स्तर पर क्या करेगा, एक काम करेगा। ध्यान रखिएगा एक नेशनल स्तर पर क्या करेगा, जिसमें सारी शक्तियाँ किसके अधीन होगी, एक केंद्रीय सरकार के अधीन होगी, राष्ट्र के पास उसकी क्या होगी, सारी भारत सरकार के पास क्या होगी, उसकी शक्ति अधीन होगी। अब सबसे पहली बात, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस किस के आधार पर होता है, कौन कौन इनमें अध्यक्ष होते हैं, कौन सदस्य होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें एक अध्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा एक अध्यक्ष होते हैं तथा चार सदस्य होते हैं। तो टोटल कितने लोग होंगे यहाँ पर, टोटल 5 लोग। अगर क्वेश्चन आता है कि एक अध्यक्ष और चार सदस्य, टोटल कितने यहाँ पर, 5। ध्यान रखिएगा एक अध्यक्ष होता है और एक सॉरी चार सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष कौन होगा, जो मुख्य न्यायाधीश सॉरी जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रह चुका हो। ध्यान रखिएगा वर्तमान में यदि है या पूर्व मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का रह चुका हो तो वह क्या होगा, इसका अध्यक्ष होगा। ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है या मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो वो क्या होगा, इसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा। अब सदस्य की बात करते हैं, जो उच्चतम न्यायालय का जो अन्य न्यायाधीश होते हैं ना, जो 10 न्यायाधीश होते हैं अन्य न्यायाधीश, उन्हीं न्यायाधीशों में या एक सदस्य रह चुका हो या सदस्य हो वह रहेगा इसका एक सदस्य। ध्यान रखिएगा अध्यक्ष यहाँ पर वो कौन होगा,
सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या रह चुका हो या रह रहा हो, या इसके बाद एक सदस्य कौन होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो। बात करते हैं अगले की, तो उच्च न्यायालय धन के यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात कही, जो हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वह रह चुका हो या वर्तमान में है, उसको भी यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, एक सदस्य बनाया जाएगा। ये टोटल होगा अभी हम एक अध्यक्ष और दो सदस्य, अब बचे दो सदस्य और, तो उन दो सदस्य कैसे होंगे, तो वो दो सदस्य ऐसे होंगे जिनको मानव अधिकार से संबंधित मामलों का ज्ञान, अर्थात उन्होंने मानव अधिकार संबंधित विषयों पर क्या किया हो, गहन अध्ययन किया हो, पीएचडी धारा को किसी भी आधार पर उनको व्यवहारिक अनुभव हो कि हाँ मानव अधिकार आयोग क्या है, किस आधार पर काम करता है, उनको क्या किया जाता है, यहाँ पर रखा जाता है। तो कौन कौन से होंगे यहाँ पर, एक प्लस चार, एक अध्यक्ष होगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या रह चुका हो या वर्तमान में हो, और चार सदस्य कौन कौन से होंगे, जिसमें नंबर वन बात सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश, नंबर टू बात एक उच्च हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और दो सदस्य होंगे जिनको व्यक्तित्व के रूप में मानव अधिकार से संबंधित ज्ञान हो, यहाँ पर दिया गया है। अब एक चीज़ और कही गई, मैंने अभी बताया था कि अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय आयोग की बात कही गई, अल्पसंख्यकों के लिए एक अनुसूचित जाति के लिए महिला वगैरह जो मैंने बताया था ना कॉन्सेप्ट, वही इसमें चीज़ दे गई है कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग दिए गए हैं उन्हीं के नियम के उन्हीं के आयोग में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे अनुसूचित जाति आयोग हैं, अनुसूचित जनजाति के आयोग हैं, उन सभी के जो अध्यक्ष एवं उनके जो सदस्य हैं वो सभी भी क्या करते हैं, इस मामले में क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं, अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या होते हैं, वे अधीन होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसी के बाद इसमें एक महासचिव होता है जो एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। ध्यान रखिएगा, एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी होता है जिसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर महासचिव कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर महासचिव कहते हैं। अब वह महासचिव होता है तो क्या होता है, अपने जितने भी नियम हैं उन सभी शक्तियों का क्या कर सकता है, वो प्रयोग कर सकता है। ध्यान रखिएगा, नियम बनाने की शक्ति भी उसके अधीन होती है, धारा 40 के खपर यहाँ पर दी गई है कि जो महासचिव है उसको धारा 40 के ख के अधीन 40 के ख के अधीन अध्यक्ष जैसे जो भी स्थिति है उसके जो भी अंतर्गत जो भी नियम है उसको नियम बनाने की शक्ति यहाँ पर दी गई है। अब ध्यान रखें, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा मानवाधिकार आयोग है उसका गठन तो हो गया, सदस्य की बात भी हो गई, महासचिव की बात हो गई, परंतु इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा, तो ध्यान रखिएगा मुख्यालय कहाँ पर होगा इसका, दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर दिया गया है, दिल्ली में दिया गया है। तथा अब ये मुख्यालय बना दिया, अब इसको अगर स्थान कई स्थान भारत के कई राज्यों में अगर उसको अपना कार्यालय बनाना है तो वो अपना कार्यालय बना सकता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ बताया था मैंने अभी कि जो जो शक्ति दे रखी है वह सभी मानवाधिकार आयोग से मिलकर ही बनेगी। ध्यान रखिएगा, अभी एक अध्यक्ष दो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहा हो, जैसे वर्तमान में पूछते हैं कि पूर्व में पूछते हैं, ऐसे किस किस आधार पर कौन कौन से लोग हैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या किया जाता है, यहाँ पर गठन किया जाता है, ये बात कही थी धारा 3 में, और इनके सदस्य वही चार कॉन्सेप्ट हैं। अब वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या रह चुके हैं ऐसे लोग यहाँ पर क्या रहते हैं, इसके क्या रहते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहते हैं। तो अभी वर्तमान में कौन है, बालाकृष्णन अध्यक्ष हैं इसके। ध्यान रखिएगा, श्री बालाकृष्णन जी क्या हैं, इसके अध्यक्ष हैं। ये थी बात धारा 3 की, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हमने पढ़ा। बात करते हैं धारा 4 की, तो यहाँ पर धारा 4 में अध्यक्ष एवं उन अन्य सदस्यों की नियुक्ति के बारे में यहाँ पर प्रावधान दिया गया है कि अध्यक्ष कैसे होंगे, सदस्य राष्ट्रपति कैसे शुरू किया जाएगा, कैसे उनकी नियुक्ति की जाएगी, यह सारी बात वहाँ पर की गई। तो ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो अध्यक्ष एवं सदस्य उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर की जाएगी, धारा 4 में यह बात कही गई। अब उनकी सिफारिश किसकी के आधार पर, देखिए राष्ट्रपति अकेला क्या नहीं करता है, सर्वप्रथम नियुक्ति नहीं करता है, उसके बाद उसके लिए भी सिफारिश की जाती है। ध्यान रखिएगा, सिफारिश के लिए एक समिति नियुक्त की जाएगी, उन समिति में कौन कौन से लोग होंगे, आइए इस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहली बात, उस समिति का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, भारत का प्रधानमंत्री होगा। फिर एक लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसका एक सदस्य होगा। फिर गृह मंत्रालय का जो एक मंत्री होगा या प्रभारी मंत्री होगा उसको क्या कहलाएगा, इसका प्रभारी सदस्य कहलाएगा। फिर लोकसभा का एक विपक्ष का नेता, फिर राज्यसभा का एक विपक्ष का नेता तथा राज्यसभा का उपसभापति अर्थात भारत का उपराष्ट्रपति भी इसका क्या होगा, एक सदस्य होगा। तो ये क्या है, इसकी टोटल संरचना। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर क्या है, इसकी संरचना है कि मान के चलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन करना है, उसके सदस्य उसकी नियुक्ति करना है, तो उसके लिए एक इन सभी की सिफारिश की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, फिर गृह मंत्रालय का मंत्री, विपक्ष का नेता, राज्यसभा और लोकसभा का, फिर उसमें राज्यसभा का उपसभापति की क्या होती है, यहाँ पर सिफारिश के आधार पर उनकी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखिएगा, उनकी नियुक्ति की जाती है। और परामर्श भी देखें आगे, यहाँ पर परामर्श भी लिया जाता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके भी आधार पर, उनकी न्यायमूर्ति है, उनके भी परामर्श यहाँ पर लिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा,
यदि उनका परामर्श नहीं लिया जाएगा तो वहाँ पर उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती, ये भी यहाँ भारत में दे रखा है। फिर अगली बात करते हैं कि अध्यक्ष और या सदस्य की नियुक्ति केवल उपधारा एक के अधन क में वर्णित सभी सदस्य के रिक्ति होने के कारण अमान्य होगी। अर्थात यहाँ पर बात कही गई कि मान के चलिए कोई सदस्य है, यदि कोई सदस्य है और अध्यक्ष वहाँ पर छुट्टी पे, यदि अध्यक्ष की मृत्यु हो गई, अध्यक्ष किसी भी कारणवश वहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो कुछ समयावधि के लिए सदस्य को अध्यक्ष बना दिया जाता है। यहाँ महासचिव अध्यक्ष के रूप में क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है, परंतु एक सदस्य कभी भी अध्यक्ष का रूप में परमानेंटली काम नहीं कर सकता, ये बात यहाँ पर कही गई। ध्यान रखिएगा, अब उस पर जो अनुशंसा होगी, जो कमेटी हो, किसके आधार पर की जाएगी, तो भारत के राष्ट्रपति के आधार पर की जाएगी। क्या राष्ट्रपति इसकी व्याख्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं कि एक सदस्य को अध्यक्ष बनाया जा सकता है या नहीं बताया सकता जाता है। अब इसमें अभी हमने देखा कि कौन कौन से सदस्य होंगे, कौन कौन से अध्यक्ष होंगे, तो दिया गया है कि प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, लोकसभा और राज्यसभा का, तथा राज्यसभा के इसमें क्या होंगे, उपसभापति होंगे। फिर इसके बाद उच्चतम न्यायालय जो हमारा है, सुप्रीम कोर्ट, उसका क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश के इसमें परामर्श लिए जाएंगे। उन परामर्शों के द्वारा क्या होगा, जितने भी जो संबंधित लोग हैं वो सभी लोग क्या करेंगे, मिलजुल कर इन सदस्य और क्या करेंगे, अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। तो धारा चार क्या कहती है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके आधार पर की जाएगी, ये चीज़ हमने यहाँ पर डेफिनेटली पढ़ी। आगे बात करते हैं धारा पाँच की, जो धारा पाँच में दिया गया है, अध्यक्ष और सदस्यों का त्याग पत्र और उनको हटाया जाना। ध्यान रखिएगा धारा पाँच में क्या रखा है, अध्यक्ष एवं सदस्यों का त्याग पत्र और उनको हटाया जाना। तो ध्यान रखिए, अध्यक्ष और सदस्य को त्याग पत्र कौन देता है, राष्ट्रपति अगर इनकी नियुक्ति कर रहा था तो त्याग पत्र किसको देंगे, सब संबंधित यहाँ पर की गई है। सर्वप्रथम मैं बताता हूँ को जो नियुक्ति करता है उसी को आप क्या दे सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं। तो यहाँ पर देके रखा है कि अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य भारत के राष्ट्रपति को संबोधित कर उसके हस्ताक्षर लिखित सूचना द्वारा अपने पद का त्याग कर, अर्थात अपना त्याग पत्र किसको देंगे, ये राष्ट्रपति को देंगे। अब यहाँ पर उपधारा के दो के अधीन कुछ कॉन्सेप्ट दे रखे हैं कि भारत का राष्ट्रपति उनको कैसे हटाया जा सकता है, भारत का राष्ट्रपति उनको हटा सकता है किसके निर्देश पर, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर क्या कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं कि भैया किसी अध्यक्ष या सदस्य को हटाना है इस आयोग में से, तो भारत के राष्ट्रपति क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर यदि उनको ऐसा लगे कि एक जांच उन पर बैठाई जाती है कि यार वे अपने कर्तव्यों का गलत उपयोग कर रहे हैं या किसी प्रकार से कदाचार या अक्षमता के आधार पर उनको हटा सकते हैं, तो उपधारा के तीन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कि मान के चलिए उपधारा दो में कोई भी ऐसी बात है जो राष्ट्रपति अध्यक्ष जो राष्ट्रपति है वो अपने अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटा सकता है, तथा ऐसा सदस्य जो मान के चलो दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या पागल घोषित कर दिया गया हो या अपने कार्यकाल में उसने ऐसा कुछ कार्य करा हो जो उसके कर्तव्य से बाहर हो या कोई अन्य रोजगार से संबंधित हो या उसके कार्य या शरीर की दुर्बलता या मस्तिष्क का कार्य नहीं कर रहा हो या वह चित्त प्रकार का है या सक्षम न्यायालय से उसे घोषित कर दिया गया कि यार ये तो पागल आदमी है या किसी अपराध के लिए राष्ट्रपति की राय में नैतिक पतन वाला दोष सिद्ध कर दिया गया है तो उसे क्या कर दिया जाता है या उसको सजा दे दी गई है तो उसको क्या कर दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा क्या कर दिया जाता है उसको उस पद से हटा दिया जाता है। धारा पाँच क्या कहती है कि अध्यक्ष और सदस्यों का त्याग पत्र और उसको हटाया जाना। ध्यान रखिएगा, अब सबसे पहली बात हम इन सब चीज़ों को देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे, ये राष्ट्रपति को देंगे हस्तलिखित सूचना के आधार पर। फिर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी भी कदाचार या झूठे मामले या किसी भी प्रकार के मामले, यहाँ पर झूठे नहीं होते सॉरी, या किसी भी मामले या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विवेचना कर क्या कर सकता है, उसको हटा सकता है। रखिएगा, और तथा राष्ट्रपति निर्णयों पर भी अध्यक्ष को तथा सदस्यों को भी हटाया जा सकता है, जैसा अभी मैंने बताया था कि पागल ना हो, दिवालिया ना हो, पागल नहीं हो, विकृत चित्त नहीं हो गया या किसी प्रकार का भी दोषी नहीं सिद्ध किया गया हो, यह बात सारी गेम में कही गई है। धारा पाँच में सभी बातें कही गई हैं। तो धारा पाँच क्या कहता है, हमारा अध्यक्ष और सदस्यों को त्याग पत्र से हटाया जाना। अब बात करते हैं धारा छः की, तो धारा छः में दिया गया है कि अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि, धारा छः में क्या रखा है, अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि रखी, कि अध्यक्ष कितने वर्ष काम कर सकता है, कितने वर्ष की इसकी पदावधि होती है। तो सर्वप्रथम अध्यक्ष जिस दिनांक से नियुक्ति हो रही है उसके 5 वर्ष तक क्या होती है, उसकी पदावधि होती है कि वो 5 वर्ष तक उस पर क्या कर सकता है, अपने पद पर रह सकता है, या उसकी अधिकतम उम्र कितनी है, 70 वर्ष। यदि वो मांग के चलिए 68 वर्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनता है तो 70 वर्ष का हो जाएगा, तो उसको क्या देना पड़ेगा, अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा, उसको अपना इस्तीफा वहाँ पर देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम आयु कितनी दे रखी है, 70 वर्ष अधिकतम आयु दे रखी है, और कार्यकाल कितने वर्ष का दे रखा है, 5 वर्ष का। ये बात हो गई हमारी किसकी, अध्यक्ष के रूप में। अध्यक्ष के बाद ये बात करते हैं सदस्य के रूप में, तो सदस्य के लिए भी वही कि 70 वर्ष की अधिकतम आयु और 5 वर्ष की अवधि के लिए यहाँ पर दे रखा है अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि। रखिएगा, 5 वर्ष एवं 70 वर्ष की अवधि यहाँ पर दे रखी है। जैसे बात करते हैं कि अध्यक्ष
और उपाध्यक्ष कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे सॉरी उपाध्यक्ष तो नहीं, अध्यक्ष और सदस्य कौन कौन सकते हैं, सब चीज़ हमने धारा में पढ़ी है। अब धारा हमारी क्या कहती है कि पदावधि, तो धारा कहेगा 70 वर्ष अधिकतम उम्र और 5 वर्ष का क्या हो सकता है इनका कार्यकाल हो सकता है। धारा कहेगा यहाँ पर दे रखा है कि 70 वर्ष का अधिकतम उम्र तो 5 वर्ष का कार्यकाल। जैसे अभी नाम सुना होगा आपने बालकृष्णन जी, हमारे अभी क्या है हमारे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, अभी उनकी 70 वर्ष की आयु नहीं है, जिस दिन वो 70 वर्ष की आयु हो जाएगी या 5 वर्ष का उनका कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष से उनको क्या देना पड़ेगा, पद से अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। वही बात कही गई बार बार कि 70 वर्ष की अधिकतम उम्र और 5 वर्ष का क्या दे रखा है यहाँ पर कार्यकाल यहाँ पर घोषित किया गया है। अब ऐसी कोई सी परिस्थिति आ जाती है, मान के चलिए कि जो हमारा अध्यक्ष है यदि वो मृत्यु हो जाती है बेचारा किसी रूप में, या मान के चलिए किसी रूप में वो उपस्थित नहीं है, या किसी रूप में कोई अध्यक्ष का रूप क्या अध्यक्ष का जो पद है वो क्या पड़ा है खाली पड़ा है, तो उस अध्यक्ष के पद को भरने के लिए क्या कार्य हो सकते हैं इस पर बात करते हैं। तो अध्यक्ष की मृत्यु हो गई या उसने त्यागपत्र दे दिया किसी भी कारण से वो उपस्थित नहीं है, तो उसी के रूप में जब राष्ट्रपति क्या कर सकता है अन्य सदस्यों में से किसी एक सदस्य को क्या बना सकता है अध्यक्ष रूप में कार्य कर सकता है, उसको क्या कहेंगे कार्यकारिणी अध्यक्ष कह सकते हैं, उसको क्या कह सकते हैं आप कार्यकारिणी अध्यक्ष कह सकते हैं। अब अध्यक्ष कैसे बनेगा कि राष्ट्रपति क्या करेगा एक अधिसूचना जारी करेगा, और अधिसूचना क्या जारी करेगा कि दिनांक कब तक, जब तक नया एक अध्यक्ष नहीं चुना जाता उस दिनांक तक क्या करता है एक सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में क्या कर सकता है वहाँ पर कार्य कर सकता है। ये सभी बात यहाँ पर कही गई है कि वहाँ पर अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है, उसका खाली रिक्त पद हो जाता है, या वह असमर्थ हो जाता है काम करने के लिए, तब क्या किया जाता है कि कुछ परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में क्या कर दिया जाता है कार्य कर दिया जाता है, यह कहता है हमारा धारा 7 का 2। आप बात करते हैं धारा 8 की कि अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें तथा निलंबन क्या क्या होता है। ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों की सेवा शर्तें। सबसे पहली बात, अध्यक्ष और सदस्यों का जो संदेह जो वेतन भत्ता होगा जो राष्ट्रीय स्तर पर होगा भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, और अलार आपकी जो जो संचित निधि से दिया जाएगा, और जो जिसके प्रकार से जो शर्त और निबर्धन है जो संसद द्वारा नियमावली है वेतन और भत्तों के लिए, वही वेतन भत्ते इन पर क्या होंगे लागू होंगे अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए। अब ध्यान रखिएगा अध्यक्ष और सदस्यों की कोई भी इनके टैक्स नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा इनका भी कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से संसद के जो सांसद को जितने भी यहाँ पर क्या हो सकता है आप अधिकार दे रखे हैं वेतन एवं भत्ते के रूप में, वही अधिकार एवं वेतन भत्ते के रूप में धारा 8 में इनको विधि मान्य तहत किया गया, ध्यान रखिएगा। अब और बात करते हैं धारा 8 की, बात करेंगे इसमें कि सेवा शर्तें क्या हो सकती हैं। अब सेवा शर्तें में वही है कि क्या वेतन है उनके, क्या भत्ते हैं उनके, है ना, वेतन और भत्तों के लिए क्या क्या उनके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, तो वही कि जो भारत की संचित निधि के आधार पर इनके जो वेतन भत्ते हैं वही इनको दिए जाएंगे। कब दिए जाएंगे, इनकी नियुक्ति के बाद। अब वही बात है, अब बात करते हैं धारा 9 की। तो धारा 9 में होता है कि रिक्तियों आदेश आयोग की कार्यवाही का अविधि मान्य ना होना। यदि मान के चलिए कि किसी भी आधार पर आयोग अपना कार्यवाही कर रहा है या इस आयोग अपनी कार्यवाही कर रहा है, यदि मान के चलिए कोई सदस्य उपस्थित नहीं है तो कार्यवाही को स्थगित नहीं किया जा सकता। धारा 9 यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात कही गई है धारा 9 में कि यदि मान के चलिए कोई सदस्य उपस्थित नहीं है, यदि कोई कार्य ऐसा चल रहा है जिसमें आप प्रश्न नहीं उठा सकते हैं कि आपके सदस्य उपस्थित नहीं थे, आपके कोई भी प्रभारी अध्यक्ष या सदस्य उपस्थित नहीं थे, तो वो यहाँ पर क्या होते हैं मान्य नहीं होते। यहाँ पर धारा 9 कहती है कि रिक्तियों के आधार पर कोई भी आयोग की जो कार्यवाही वो क्या होगी अविधि मान्य नहीं होगी। कि कोई भी मान के चलिए पद पर नियुक्ति नहीं हो पाई और मानवाधिकार संबंधित कोई कार्य चल रहा है तो वह कार्य क्या होगा मान्य माना जाएगा, परंतु उसकी कोई त्रुटि हो गई तो वह क्या मानी जाएगी यहाँ पर, कोई रिक्ति हो गई तो वह क्या मानी जाएगी यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत मानी जाएगी, परंतु किसी प्रकार से आयोग की जो कार्यवाही है वो क्या होगी अविधि मान्य नहीं होगी। मतलब वो हमेशा क्या होगी मान्य ही होगी। कि मान के चलिए अध्यक्ष भी उपस्थित है और मान के चलिए कोई सा भी इसमें से एक सदस्य अनुपस्थित है, मान के चलिए अध्यक्ष ही अनुपस्थित है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा कोई सी कार्यवाही की जा रही है तो वो क्या होगी पूर्ण रूप से मान्य मानी जाएगी। बात करते हैं धारा 10 की। अब धारा 9 में अभी हमने पढ़ा कि रिक्ति आदि से आयोग की कार्यवाही नहीं होगी, इसी आधार पर धारा 10 का भी दे रखा है कि जो प्रक्रियाएं हैं हमारी, जो प्रक्रिया हैं जो आयोग द्वारा जिन प्रक्रियाओं का दिन प्रतिदिन क्या किया जाता है उनको विनियमित किया जाता है अर्थात उनके नियमों का पालन किया जाता है, वो क्या क्या हो सकते हैं इस स्थान में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम एक अधिकार है अध्यक्ष का कि अध्यक्ष ऐसे समय या ऐसे स्थान पर बैठक ले सकते हैं जो अध्यक्ष को उचित लगे।
हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि अध्यक्ष अपने सिर्फ क्या बोल सकते हैं एक मुख्यालय में ही या कार्यपालक जो हमारा क्षेत्राधिकार होता है उसी में ही क्या कर सकते हैं वो बैठक ले सकते हैं, नहीं, यहाँ पर अध्यक्ष किसी भी आधार पर कभी भी क्या कर सकते हैं, किसी भी स्थान पर क्या ले सकते हैं, अध्यक्ष क्या ले सकते हैं, बैठक ले सकते हैं उनके निर्णय अनुसार। तथा इसी में कुछ नियम बना रखे हैं कि अध्यक्ष अपने नियम की शक्ति किस आधार पर करेंगे या उपाध्यक्ष या सॉरी सदस्य अपने नियम की शक्ति किस आधार पर करेंगे, क्या नियम होंगे कि केंद्र सरकार के नियम राज्य सरकार को नियम कैसे पता एक्सचेंज करेंगे, है ना, जो राज्य सरकार को नियम कैसे होंगे उनकी जाँच कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ यहाँ पर आयोग में दी गई है। और एक बात और कही गई कि जो समस्त आदेश होंगे जो एक महासचिव द्वारा हमको भेजे जाएंगे, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो महासचिव होते हैं उनके द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पर भेजा रहा है, उनके नियमों का पालन, उनकी आधिकारिकता, उनकी अभिप्रमाणित करना, उनको रजिस्टर्ड करना, उनकी विवेचना करना, यह सभी आधारित जो कार्य होते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं, धारा 10 के अंतर्गत आते हैं। धारा 10 क्या कहती है कि धारा 10 कहती है कि अध्यक्ष और जो महासचिव होते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं उनके आधार पर जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का जल्द से जल्द कार्य का पालन करना तथा उनका पालन करने के बाद धारा 10 में जितने भी प्रकार से आयोग को निर्दिष्ट काम दिए गए हैं उन कामों का करेंगे वो आगे विनोचित किए जाएंगे, आगे किए जाएंगे उनको अभिप्रमाणित किए जाएंगे। ये क्या कहता है हमारा धारा 10 यहाँ पर कहता है। अब एक बात करते हैं कि धारा 11 धारा 11 कहती है कि आयोग के अधिकारी और उनके कर्मचारी वृंद, अर्थात आयोग के अधिकारी कौन कौन होंगे या किस प्रकार से हो सकते हैं या कर्मचारी कौन कौन से हो सकते हैं, उनके अन्य कर्मचारी कौन कौन से होते हैं या अन्य विभाग उनके कौन कौन से हो सकते हैं, ये सब चीज़ यहाँ पर दर्शाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत सरकार के आयोग में कौन कौन से अधिकारी होते हैं इन सभी की बात करते हैं। तो इसमें एक सचिव होता है, भारत सरकार का एक सचिव की रैंक का होता है जो इस आयोग का क्या कहलाता है, महासचिव कहलाता है। धारा 11 का भारत का भी एक महासचिव होता है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी एक महासचिव होता है। इसी आधार पर एक संयुक्त राष्ट्र जो है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिस आधार पर जो मानवाधिकार संघ है हमारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संघ, उन संघों का भी एक क्या होता है, महासचिव होता है। वो एक चैप्टर अलग है, परंतु अभी एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं हम कि राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक जो महासचिव होगा वह महासचिव कौन होगा, भारत सरकार के सचिव की रैंक के नीचे का ना होगा, मतलब एक वरिष्ठ IAS ऑफिसर यहाँ पर क्या कहलाएगा, एक सचिव कहलाएगा या महासचिव कहलाएगा। अब इसी के बाद कुछ ऐसे अधिकारी होंगे जो महासचिव के निर्बंधन के अधीन होंगे। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले वह एक महानिदेशक होते हैं पुलिस के, जो IG बोलते हैं, महानिदेशक या DGP बोल सकते हैं आप, ADG बोल सकते हैं, IG होते हैं हमारे, है ना। IGP के ऊपर के जितने भी स्तर के जो अधिकारी होते हैं, ADG हो गया, DG हो गया, असिस्टेंट DG हो गया, जितने प्रकार के जो अधिकारी के जो हैं वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके महानिदेशक कहलाते हैं। मतलब जो सॉरी यहाँ पर जो DGP की डेफिनेशन दे रखी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अर्थात पुलिस महानिदेशक, उसकी रैंक के नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर जो IG वगैरह हैं वो इसके कार्यकाल में अध्यक्ष तो नहीं बन सकते, परंतु इसके अधिकारी के रूप में कार्य जरूर कर सकते हैं, ये बात यहाँ पर कही गई है। कर्मचारी के रूप में कार्य कर सकते हैं परंतु अधिकारी के रूप में ये कार्य नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, अधिकारी के रूप में पुलिस विभाग में कौन काम करेगा, सिर्फ DGP काम करेगा। और अगर दूसरी बात की जाए इनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, तो वो IG स्तर से लेकर जो भी निम्न स्तर के अधिकारी वो क्या करते हैं, इनके कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। तो सबसे प्रथम महासचिव का पद किसके लिए होगा, एक सचिव के लिए होगा जो एक वरिष्ठतम IAS होता है, और जो महानिदेशक होगा वह वरिष्ठतम IPS ऑफिसर होता है। ध्यान रखिएगा, IAS एंड IPS ऑफिसर ही यहाँ पर क्या कहलाते हैं, सचिव और महानिदेशक कहलाते हैं। अब इसी में ही कुछ स्टाफ होता है जो इनका भारत सरकार द्वारा कुछ स्टाफ बनाया जाता है, जो वैज्ञानिक रूप से होता है या किसी प्रशासनिक रूप से होता है या किसी तकनीकी रूप से हो सकता है, वह सभी भारत सरकार द्वारा समझा जाएगा। मतलब भारत सरकार का जो प्रशासनिक आयोग है उस प्रशासनिक आयोग के द्वारा ही संबंध किया जाएगा। जैसे बात करते हैं DGP की, तो DGP की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको याद होना चाहिए UPSC। ध्यान रखिएगा, UPSC क्या करता है, DGP की भर्ती करता है या DGP के सिलेक्शन करता है। देखिए भर्ती तो नहीं होती है, DGP का सिलेक्शन कौन करता है, हमारा UPSC DGP की सिलेक्शन करता है। तो उसी सिलेक्शन के आधार पर यहाँ पर उनके स्टाफ को नियुक्त किया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात कही गई हैं। और इसी में एक उपधारणा दी गई है कि जो भी अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी है, जो भी उनके वेतन भत्ते, उनकी शर्त होगी वो किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी, इसी के भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा आयोग है, कौन सा आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, उसके संदर्भ में जितने भी शर्तें हैं, जितनी भी सेवा शर्तें हैं, जितने भी वेतन भत्ते हैं, वो भारत की संचित निधि से दी जाएंगी। ध्यान रखिएगा, भारत में जितने भी ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इनके जितने भी वेतन भत्ते वगैरह हैं ये किसके आधार पर दिए जाएंगे, तो भारत की संचित निधि के आधार पर दिए जाएंगे। तो आज हमने
अध्याय एक और अध्याय दो को पूर्ण रूप से समझा। तो अध्याय दो क्या कहता है, तो अध्याय दो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की बात करता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या होगा, है ना। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में क्या क्या हमने पढ़ा है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कौन कौन सी धारा आती है। तो सबसे पहली बात, अगर एक क्वेश्चन आ गया कि अध्याय दो में टोटल धाराओं की संख्या कितनी है, तो आपको याद होना चाहिए धारा 3 से लेकर धारा 11 टोटल कितनी हो गई हमारी, टोटल हो गई 9 धाराओं, अर्थात धारा 3 से लेकर धारा 11 तक अध्याय दो में इसको विस्तृत रूप से प्रकाशित किया गया है। तो अध्याय दो क्या कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, आज हमने पढ़ा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है और क्या संदर्भित है, कितनी इसमें टोटल धाराएँ होती हैं। अब बात करते हैं कि एक शब्दावली में यदि अध्याय एक और अध्याय दो को समझा जाए तो क्या होना चाहिए। तो सर्वप्रथम अध्याय दो की बात करते हैं हम पहले, फिर अध्याय एक की बात करेंगे। तो अध्याय दो की बात करते हैं, तो अध्याय दो में दे रखा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ध्यान रखिएगा अध्याय दो में दे रखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब अध्याय दो में कुल धाराओं की संख्या कितनी है, 9। कुल धाराओं की संख्या कितनी है, 9। कौन कौन सी धारा से लेकर, धारा 3 से लेकर धारा 11, धारा 3 से लेकर धारा 11 तक दे रखा है। अब बात करते हैं धारा 3 में क्या दे रखा है, तो धारा 3 में दे रखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। धारा 4 की बात करेंगे तो धारा 4 में क्या दे रखा है, अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति, ध्यान रखिएगा अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति दे रखी है धारा 4 में। अब धारा 5 में क्या दे रखा है, तो धारा 5 में क्या दे रखा है कि अध्यक्ष और सदस्यों का त्याग पत्र और उनको हटाया जाना, ध्यान रखिएगा अध्यक्ष और उनके सदस्यों का त्याग पत्र और उनको हटाया जाना धारा 5 में दे रखा है। धारा 6 की बात करते हैं तो धारा 6 में अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि दे रखी है, धारा 6 में अध्यक्ष और सदस्यों की क्या दे रखी है, पदावधि दे रखी है कि किस किस आधार पर होगी, वही 70 वर्ष का कॉन्सेप्ट है और 5 वर्ष उनकी अधिकतम क्या होगी, कार्यकाली सीमा होगी। उसके बाद धारा हमारी अगली धारा क्या कहती है, धारा सात कहती है कि कतिपय इस परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। धारा 8 की बात करते हैं तो धारा 8 कहती है अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें, निबर्धन आदि या निलंबन जो भी उनके कहा गया वो सारी बात कही गई है यहाँ पर। फिर धारा 9 क्या कहती है, तो धारा 9 कहती है कि रिक्ति आदि से आयोग की कार्यवाही का अविधि मानना होना, क्या कह रखा है धारा 9 में दिया गया है। अब धारा 10 की बात करते हैं, धारा 10 क्या कहती है, तो धारा 10 क्या कहती है कि प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना, अर्थात जो नियम बनाए गए हैं वो आयोग द्वारा क्या कहे जाएंगे, नियमानुसार लागू किए जाएंगे या उनका उनकी क्या की जाएगी, उनका शुरुआत की जाएगी या उनके आधार पर किसी आधार पर उनको विनियमित किया जाएगा। धारा 11 क्या कहती है, धारा 11 कहती है कि आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी बंद कौन कौन से होंगे, किस आधार पर उनकी नियुक्ति की जाएगी, वही एक आईएएस ऑफिसर और एक आईपीएस ऑफिसर का जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी समझाया है पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा अध्याय दो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब बात करते हैं अध्याय एक की, तो ध्यान रखिएगा अध्याय एक में क्या दे रखा था, प्रारंभिक के इसका प्रारंभ क्या है, अर्थात मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का प्रारंभ क्या है। तो इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं, दो धाराएं, धारा एक धारा दो। धारा एक क्या कहती है, इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा दो क्या कहती है, इसकी परिभाषा। धारा एक में हमने पढ़ा था कि इसका क्या संक्षिप्त नाम है, इसका पूर्ण नाम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ध्यान रखिएगा। और इसका कहाँ पर लागू है, पूरे संपूर्ण भारत पर लागू है, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की राज्य सूची के जो सीमा अंतर्गत जो क्षेत्र है हमारा, पाक जो पीओके वाला जो क्षेत्र है हमारा, उस क्षेत्र को छोड़कर यह संपूर्ण भारत में क्या होगी, लागू होगी, ध्यान रखिएगा। तो अध्याय एक और अध्याय दो का कहता है, हमने आज इसको पूर्ण रूप से इस वीडियो में इसको समझा। ये था हमारे मानव अधिकार आयोग का पार्ट 1, आपको जल्द ही पार्ट 2 भी दे दिया जाएगा। ये पार्ट 1 में आज हमने अध्याय एक एवं अध्याय दो को पूर्ण रूप से विस्तृत रूप से समझा है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है, और नोटिफिकेशन जारी होने के पूर्व या नोटिफिकेशन जारी होने के पूर्वांत जो समय होता है, उस समय पर कम से कम समय में पढ़कर अधिक से अधिक नंबर कैसे लाए जा सकते हैं, इसके लिए आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़े रहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा सभी वीडियोस बिल्कुल मुफ्त में चलाया जाता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर वीडियोस के लिए कुछ भी पे नहीं किया जाता है, सभी वीडियोस यहाँ पर क्या होते हैं, फ्री होते हैं। यदि आप एमपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए विशेष पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 8564880530 पर संपर्क कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा 8564880530 पर क्या कर सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। तथा अभी हमारे यहाँ पर कुछ पेड ग्रुप्स लाए जा रहे हैं, मैं उनके बारे में बता देता हूँ आपको। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए 2019 की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी पूर्ण रूप से यहाँ पर तैयारी की जा रही है, साथ में यूपीपीसीएस मेंस 2018 का जो आरओ एआरओ वगैरह जो दे रखा है यहाँ पर, उसके लिए भी यहाँ पर
मेंस ग्रुप भी चलाया जा रहा है, तथा साथ में हमारे यहाँ पर कुछ पेड ग्रुप्स चलाए जो PSIR का है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे UPPCS तथा UPSC के लिए दिए गए हैं उसके लिए भी, तथा सोशियोलॉजी वगैरह जो सोशल वर्क वगैरह है उनके लिए भी, तथा अभी एक एग्रीकल्चर के लिए भी एक अलग से पेड ग्रुप चलाया जा रहा है, एग्रीकल्चर के लिए भी यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट किया जा रहा है, तो एग्रीकल्चर के लिए भी आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो दिए गए सारे नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारे पेड ग्रुप्स में ज्वाइन कर सकते हैं। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।